dear students I welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number one two zero and we're going to talk about that we have to keep the things honest keep it honest samrat ये है कि emotional intelligence को आप कोई जादू की छड़ी मत समझें emotional intelligence को हमें बहुत calculated और बड़े अंदाज़े के साथ लेकर वो चलना होगा दिकास किसी भी हवाले से exaggeration या किसी भी हवाले से कमी का होना वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पे कंप्रोमाइज वो चीज कर सकती है देयरफॉर जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो रिमेंबर दैट सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पैथी एम्पैथी एंड कंपैशन दे हैव टू गो इन ए बैलेंस्ड एंड ऑनेस्ट वे ताकि आप लोगों के साथ जब रात, उस करो तो आपका कंपैशनेट होना उनके लिए फायदे का सबब वो हो यू शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट योर लव फॉर दैम यू शुड बी देयर टू टेक केयर ऑफ दैम And वो तभी मुमकिन होगा व्हेन यू आर एबल टू पुट कि आप उनको सच्चाई नहीं बताओगे लेकिन सच्चाई को बताने का एक तरीका यकीनन होगा बाज हम बात के अंदाज को बदलकर उसके असर को चेंज कर सकते हैं और याद रखिएगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल वो लोग हैं कि जो बात को इस अंदाज से कम्युनिकेट करें कि उसका असर भी हो और लोग कहीं पर जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल वो भी ना हो समटाइम्स वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि देयर इज अ सिन इन सेंसिरिटी ये एक्सप्रेशन हम क्यों कोट करते हैं बिकॉज़ द फर्स्ट थ्री स्पेलिंग्स ऑफ सेंसिरिटी आर एस आई एन तो ये सिर्फ समझाने के लिए मकसूद है कि देयर इज अ सिन इन सेंसिरिटी क्योंकि बाज़ुकात हम हम ये समझते हैं कि किसी सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा सन्सियर हैं किसी के साथ हम बहुत ज्यादा सन्सियर हैं लेकिन हमारी टी ही बाजुकात बैकफायर वो कर रही होती है कि हमें अपनी expectations और priorities clear होनी चाहिए हम जो दूसरों की हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सकें सो so, हमारी प्रेफरेंसेस प्रायोरिटीज एक्सपेक्टेशंस विद ऑल ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स मस्ट बी क्लियर सो रिमेंबर हमारी जिदोजहद है अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना और इमोशनली इंटेलिजेंट अपने आप को बनाने के लिए वी हैव टू यूज अवर रैशनैलिटी वी हैव टू कम अपर इंट्यूशन इन कोलेबोरेशन विद अवर रेशनैलिटी ताकि हम सिचुएशन की अनसर्टेनिटीज और कम्प्लेक्सटीज को बेहतर तौर अंडरस्टैंड वो कर सकें सेकेंडली वन शुड बी सेंसिटिव अबाउट द ट्रेड ऑफ्स बाजा अवत्यात आपको डिफरेंट हवालों से अपनी प्रायोरिटीज को मद्देनजर रखते हुए अपने एक्सपेक्टेशन को मद्देनजर रखते हुए सर्टन लाइफ में ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं

जो हमारी एफिलियशन और एसोसिएशन होंगी उनको बेहतर तौर स्टैब्लिश वो कर सकते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के रियलिटी हकीकत नो डाउट इज मैनी टाइम्स सम हार्ड फैक्ट समथिंग इज गोइंग टू हर्ट बट वी हैव टू हैव द कैपेबिलिटी टू फेस दैम वी हैव टू हैव द करेज टू एडजस्ट अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द रियलिटी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस बिकॉज हमें से वही कामयाब होगा जो हकीकत को हकीकत के तौर पर ले और फिर कोशिश करे कि उसके मुताबिक अपने आप को अपडेट अपग्रेड मोल्ड चेंज एडाप्ट वो कर सके सो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारे हर रोजमर्रा के मामला के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें हमें लोगों के जज्बात को भी समझना है हमें कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे कहीं पर कोलाबोरेशन करनी पड़ेंगी कहीं पर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी तो हम में से कामयाब अगेन वही शख्स होगा Ke jo emotionally intelligent hai, and he or she knows how to adjust with the circumstances